आप सबने कर्मा बाई का नाम सुना होगा। किस किस ने सुना है कर्मा बाई का नाम? क्या बात है। और जानते हैं उन्होंने क्या भोग लगाया था ठाकुर जी को? खिचड़े का। रखवाला रखवाला वो हम सब का रखवाला। कर्मा बाई भोली नादान छोटी सी एक लड़की। पिताजी दूसरे गांव में चले गए। अब जब पूजा करने का जिम्मा कर्मा बाई का आया, घर में कुछ नहीं था भोग लगाने को, खिचड़ा बनाया। घर में कुछ नहीं था खिलाने को, भोग लगाने को, खिचड़ा बना दिया। और इतनी नादान कि जिस नीम की टहनी से दातुन कर रही थी उसके दूसरी ओर से खिचड़ा हिला दिया कि बनकर तैयार है। सोचने लगी कि खिचड़ा बनकर अब ठाकुर जी के सामने मैं रख दूंगी, ठाकुर जी आएंगे और खाएंगे। शायद रोज आते होंगे और पिताजी ऐसे ही भोग लगाते होंगे। खिचड़ा बनाकर रख दिया ठाकुर जी के सामने। एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। सोचने लगी कारण क्या है ये। फिर दिमाग में आया, भोली थी ना, सोचने लगी शायद आज पर्दा नहीं लगाया इसीलिए ठाकुर जी नहीं आए। मंदिर में पर्दा नहीं। कहने लगी तुम्हें पर्दा चाहिए ना, रुको मैं देती हूं तुम्हें पर्दा। और पर्दा कैसे किया कर्मा बाई ने, सुनिएगा। लहंगे का पर्दा कर बोली जी मो श्याम बिहारी। लहंगे का पर्दा कर बोली जी मो श्याम बिहारी। भाव के वश काहे का पर्दा सुन ले ओ बनवारी। भाव के वश काहे का पर्दा सुन ले ओ बनवारी। भाव के वश काहे का पर्दा सुन ले ओ बनवारी। और जब इतना कर्मा बाई ने कहा तो क्या हुआ, सुनिएगा। झटपट दोनों हाथ खींचड़ा, झटपट दोनों हाथ खींचड़ा, झटपट दोनों हाथ खींचड़ा, झटपट दोनों हाथ खींचड़ा। हाँ गए मदन गोपाला, गोपाला रखवाला। हार का है श्याम सहारा,
भी तो अजमा ले, हार का है शान सहारा, तू भी तो अजमा ले। झट से बाह पकड़ ली जिसने, झट से बाह पकड़ ली जिसने, झट से बाह पकड़ ली, किसकी पकड़ी सुनिएगा, झट से बाह पकड़ ली जिसने, दर पर डेरा डाला हो डाला रखवाला। चमत्कार को नमस्कार करने वाले, कुछ मिलता है इसलिए बैठे, नहीं तो पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। कुछ मिलता है
और विश्वास है कि आज भी आए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, इसलिए बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के त्रिग बिंदु है।